मास्टर जे हेयर स्टाइल तब मेरे लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बस आप अपना मुझे ऑर्डर दो और उस माइकल का गेम ओवर और उसकी सारी प्रॉपर्टी और मेंशन शोरूम हर चीज डिस्ट्राई करूँगा, बस आप अपना ऑर्डर दीजिए। वेरी गुड एगल, उस माइकल का हर मेंशन और उसके शोरूम के चिटड़ उड़ा दो एगल, जाओ। ठीक है मास्टर जी, आपको नाराज नहीं करूंगा और उस माइकल के हर मेंशन और उसकी प्रॉपर्टी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ये मेरा वादा है एगल। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ GTA 5। तो यार कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो यार इस वीडियो को लाइक टारगेट है 1000 लाइक, तो यार पूरे कर दे रहे हैं। वीडियो को फुल वॉच करना लास्ट तक, बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो यार आप लोग वॉल्स पे देख रहे होंगे यार बहुत डिफरेंट टाइप के मैंने फोटो वगैरह लगवाए। यार मेरे पास कोई फोटो वगैरह नहीं थे, तो जो मैं गेम खेलता हूँ वही मैंने लगवा दिया। एंड गाइज अगर आपको भी अपने फोटो वगैरह लगवाने हैं ना, तो यार मेरे को इंस्टा पे जाके फटाफट से फॉलो कर दो। एंड जैसे फॉलो करोगे एंड वहाँ पर ना मेरे मैसेज में आपके एक बढ़िया से फोटो वगैरह सेंड कर दो, जितना ट्राई कर सकूँगा भाई। अगर ज़्यादा लोग होते तो मैं सबके लगाने की कोशिश कर दूँगा। तो यार यहाँ पर देख सकते हो यार मेरे पास यही फ़ोटो थी, तो यार मैंने यही वाली लगवा दी। वैसे बहुत पुरानी फ़ोटो है गाइज ये भी, बट और यहाँ पर अपने अपने चैनल का भी लोगो वगैरह लगवा दिया एंड बहुत कुछ। तो यार अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा ना, तो यार आपको दिला दूँ यार इस लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। यार अगर लास्ट एपिसोड में ना भाई साहब ट्रेवर और मास्कमैन का प्लान था कि यार वो आर्मी बेस पे जाके ना भाई सारे के सारे हाईटेक वेपन चोरी कर ले, एंड वो हाईटेक वेपन से ना भाई मुझे मारने के लिए वो तैयारी कर रहे थे, बट अपनी हैकर गर्ल ने ना भाई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी और मुझे बता दिया, और वही इन्फॉर्मेशन मैंने ना जनरल को दे दी। एंड जनरल ने ना भाई ट्रेवर को किडनैप वगैरह कर लिया एंड भाई बहुत वगैरह वगैरह फाइट हुई, बट मैंने बोला जनरल को यार उसको छोड़ दो, एंड ट्रेवर को उसने जाने दिया, मतलब बच गया वो। मैंने मतलब उसकी हेल्प कर ली एक तरफ से क्योंकि वो अपना फ्रेंड है यार, तो फिर वो चला गया एंड वगैरह वगैरह एंड बहुत वगैरह फाइट वगैरह हुई। तो यार वीडियो को पूरा वॉल पिछला वीडियो देखना समझ आ जाएगा बहुत कुछ हुआ है। और हमने हमारे गैंग के लिए ना एक बढ़िया बढ़िया कार्स वगैरह भी खरीदे हैं, और वो भी हम लोग लेने वाले जल्द से जल्द। हमारा ऑर्डर वगैरह तो मतलब हमने हमारे शोरूम पे दिया है, तो यार वो अपना ही शोरूम है, तो और गाइस तो ले लेंगे फटाफट से अपने गैंग के लिए भी। और गाइस आज ना मेरे को एक फिर से कॉल आया था मिलिट्री से, पता नहीं यार जनरल नहीं था वो, कोई और ही था। वो कह रहा था कि यार तुम फटाफट से ना आ जाओ, और ये देखो यार ये अपना रोबोटिक पेड है। एंड भाई साहब बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ, एंड आप लोग भी इसको बहुत दिनों के बाद मिल रहे होंगे। यार एकदम बढ़िया लगता है यार ये वाला पेट ना, बिल्कुल चार्जिंग पे चलता है। सो चलो यार अभी फटाफट से यार अभी अपने को अपनी एक आधी बढ़िया सी एक कार लेके चलते हैं। बट छोड़ उससे पहले ना भाई अपने पेट्स वगैरह को देख लेते हैं, मतलब इतने दिन हो गए ना अपन लोग अपने पेट्स वगैरह को देख ही नहीं रहे। और ये देखो भाई अपना कैटिवा भी इधर भी है, हैंड वाइज खतरनाक है यार। ये मेरे को गिफ्ट किया था RSVPG के सिक्योरिटी के कमांडर ने, मतलब जो एजेंसी है ना उसके मालक ने। यार देख रहे हो एकदम बढ़िया है यार, ये घूमते रहता है, गन वगैरह भी चलाता है, बट मैंने उसको बोला कि आज कुछ काम नहीं है तो तुम इधर वगैरह ही रहना। एंड चलो यार अपने गए जो असली वाले पेड़ है ना वो आपको दिखाते हैं भाई, जो अपने मतलब ओल्ड वाले मतलब ख़तरनाक। ये देख रहे हो हस्की एंड ये जो चीता है ना भाई, यहाँ पर दोनों को रखा है बंद करके। यार गाइस बहुत ख़तरनाक हो गए ये लोग आजकल, देख रहे हो मतलब इसको बंद करके रखना पड़ रहा है। आपको याद है भाई हमने जब इसको खुला छोड़ा था ना रोड पे, भाई इस चीता ने भाई कितने लोगों की जान ले ली थी अगर आपने पिछले एपिसोड देख रखे होंगे। तो इसलिए यार दोनों को ना भाई यहाँ पर ही बंद करके रखा है। और गाइस बढ़िया तरीके से मतलब ये जो ग्राउंड है ना, और एक कहा जा रहा है इसकी भैंस क्या चल निकल अंदर जा, भाई बाहर जा रहा था भाई बिल्कुल ना इसको वो कर लिया। चलो यार अभी इनको ज़्यादा खेलते नहीं है, एंड अपने पास टाइम भी वगैरह नहीं है, बहुत कुछ करना है यार आज। वैसे तो यार बहुत कुछ करना है, एंड मुझे नहीं पता भी यार मेरे को कॉल आया था आर्मी का, वो कह रहा है कि यार बहुत जल्दी से आ जाओ, पता नहीं क्या हुआ है।
और पता नहीं क्या बोल रहा था कॉल करके, यार कोई नया जनरल वगैरह आया है भाई। पुराना वाला जो जनरल है ना वो कहाँ गया, वरना मुझे हमेशा उसी का कॉल वगैरह आता है। बट यार आप भी ना, एक नया जनरल का कॉल था बट वो कह रहा है कि फटाफट से तुम आ जाओ एंड वगैरह वगैरह। यार चलो ठीक है जाते हैं। और पहले ना आज अपन लोग अपनी एक बढ़िया सी कार चलाते। ये कार मैंने बहुत दिनों से नहीं चलाई है, तो चलो आज ना इसी को ड्राइव वगैरह करते हैं और एक बढ़िया सा। चलो यार, अरे तू भी आ जा एनएसजी कमांडर, इसको भी ले जाते हैं। यार ये बेचारा इधर ही रहता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा ले जाते हैं। वो देखो कैटी हुआ क्या कर रहा था। ऑल राइट यार, इसको भी ले जाएंगे ना, वरना ये बंदा इधर ही रहता है एंड सब कुछ। अरे शिट, मैंने देखा ही नहीं सामने गेट है एंड बिल्कुल ही फ्रैंक वगैरह हो गया है। और आज का मौसम भी ऐसा है ना यार, बिल्कुल धूप निकली हुई है। तो चल यार तुम लोग भी बैठ जाओ यार एनएसजी वालों, फटाफट से यार एनएसजी को भी ले जाते हैं। इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं यार ये एनएसजी वाले, इस कसम से ना। तो इनका भी कुछ यूज़ वगैरह करना होगा ना यार, देख रहे हो फुल प्रोटेक्शन वगैरह चाहिए। सो चलो यार अभी फटाफट से, अभी कोई अपने पास अभी पता नहीं क्या कहने वाला है वो, अपने को जो नया जनरल है ना एंड उसी से बात की जाती है और वहाँ पे आपको मिलते हैं। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं आर्मी बेस पर और यहाँ पर। सो चलो यार हमारी सिक्योरिटी वगैरह भी आ चुकी है यार, वरना हमारे सिक्योरिटी उधर रोका था बट इस बार ही नहीं रोका। उन्हें पता है यार माइकल कौन है। यार माइकल का इतना नाम हो गया ना गाइस, क्या ही बोलूँ। लॉस एंड्रोस मतलब अगर मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा भी होता हूँ ना तो भाई लोग मेरे को आराम से वोट कर देंगे। बट अभी अपन लोग ना वैसे पार्टी में तो ज्वाइन कर लिए, मतलब समझ रहे हो अभी पार्टी वगैरह में तो आ गए, बट अपना जो प्रेस अपनी जो पार्टी का जो प्रेसिडेंट ना भाई, वो जब तक हटता नहीं है तब तक, मतलब वो जब तक मरेगा नहीं ना तब तक हम प्रेसिडेंट बन नहीं सकते। तो यार ये भी अलग बात है बट कोई बात नहीं गाइस, अभी प्रेसिडेंट का मरने का वेट करना होगा या हम ही उसको मार दे, आप लोग मेरे को चैट में बोलना गाइस क्या करें, वरना धोखा हो जाएगा। वरना इतना अच्छा फ्रेंड बन गया ना प्रेसिडेंट अपना, बट यार धोखे से तो मार नहीं सकते। तो चलो बातचीत वगैरह करते हैं एंड पता नहीं क्या बात करते भाई ये लोग। यार गाइस पता नहीं अचानक से क्या हो गया एंड ये कह रहे कि फटाफट से ना भाई तुम ज़मीन पर बैठ वरना तेरे को यहाँ पर ही मार देंगे। यार मेरे जो एनएसजी का कमांडर है उसने भी भाई एम कर दिया है। ये पता नहीं नया जनरल आया, ये कह रहा है कि यार फटाफट से तू हमारे साथ जेल में चलो और तेरे को हमेशा के लिए मैं जेल वगैरह में डाल रहा हूँ। और ये कह रहा है कि जो तेरा कमांडर है ना पहले इसको भागा वरना इसकी सारी की सारी एजेंसी को मैं भाई बंद कर दूंगा और तेरे को भी जेल में डाल दूंगा भाई साहब। अरे एनएसजी वाले तू चला जा यार प्लीज़ भाई, मेरा मैटर संभाल लूँगा, तू टेंशन मत ले यार चला जा प्लीज़। ये कह रहा है कि अगर अभी भी नहीं जाएगा ना भाई सोच ले फिर सब कुछ तेरे उसमें मैं रेड वगैरह करवा के ना सब कुछ बंद करवा दूंगा लॉस एंड्रोस। अरे यार चला जाए एनएसजी वाले, सब कुछ दाव पे लगा यार। यार ये बंदा अभी भी वही गन पॉइंट पे लगा के रखा है एंड ये डर भी नहीं रहा। ये कह रहा है कि देख अभी भी तेरे पास टाइम है उसको बोल दे जाने के लिए। यार चला जा, बात सुन यार, अरे ये लोग नहीं मारेंगे मेरे को, टेंशन मत ले यार। अभी भी नहीं जा रहा है, शेट यार गाइस भाई चला जा यार प्लीज़ भाई। चलो यार फाइनली ना ये चला चुका है एंड ये कह रहा है कि यार देखो तुम और तुम्हारा फ्रेंड ट्रेवर, तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। और वो ट्रेवर का बच्चा भाई पूरे सिटी में मतलब पूरे के पूरे लॉस एंड्रोस में तबाही मचा रहा है, चोरी वगैरह कर रहा है एंड वो तुम्हारा फ्रेंड है तो तुमको भी जेल में डालना होगा, वो तो हमारे हाथ आया नहीं एंड वगैरह वगैरह। तो हमको अभी पता चला है कि तुम ना उसके फ्रेंड हो भाई, वो तो सबको पता है, वो जो मेन जनरल है ना सीनियर जनरल उसको भी पता है यार, उसी को बोल के तो मैंने उसको छुड़वाया यार। ये कौन नया आ गया पता नहीं यार, बहस क्या यार शेट गाइस क्या चल रहा है यार। वो कह रहा है कि अब तुम ही उसका पता बता मेरे को बताओ वरना तुम जेल में तो सड़ने वाले तो हुई। यार ये बंदा कौन है यार, ये जो आर्मी का टकला बंदा है ना उसको पता है यार माइकल कौन है, इसको बिल्कुल भी पता है कि माइकल कौन है। यार मैंने प्रेसिडेंट की जान बचाई है एंड बहुत कुछ किया लॉस एंड्रोस में, यार टकले तू तो बता दे कुछ उसको, ये नया नया इसकी पोस्ट हुई है यहाँ पर। सो यार ये बता रहा है टकला इसको माइकल के बारे में कि माइकल ने क्या क्या काम किए पूरे शहर में और लॉस एंड्रोस में, प्रेसिडेंट की कितनी बार जान बचाई है और लोगों को कितने, जो चाइना की पब्लिक थी ना भाई मतलब जो चाइना की आर्मी ने वगैरह थे उनसे भी जान बचाई बहुत कुछ। बट ये कह रहा है कि ये बंदा इतना पावरफुल वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है एंड बिल्कुल ये फुद्दू इंसान है भाई। टकला कह रहा है कि यार इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और जो अपना सीनियर जनरल है ना भाई वो भी मिशन पर गया था बट वो अभी तक वापस लौट के नहीं आया है। ये कह रहा है कि अगर हम इसको ले जाते ना हमारा काम और ईजी हो जाएगा। ये टकला गाइस अपना ही मतलब इसको ये जानता है ना मेरे, बट ये जो नया जनरल आया ना साला मतलब ज़्यादा ही शानमती दिखा रहा है। ये कह रहा है कि ये तो बिल्कुल एक नंबर का निकम्मा आदमी है एंड इसको कुछ भी नहीं आता है, इससे क्या काम करेंगे, मतलब ये क्या अपने सीनियर जनरल को बचाएगा। यार ये बिल्कुल ही ना मेरी बेइज्जती वगैरह कर रहा है।
और ये कह रहा है कि देख अगर तेरे में दम है ना, तू हमारे खतरनाक वाले एक कमांडर को हरा के दिखा दे। कौन सा कमांडर है तुम्हारा खतरनाक वाला? भैंस की आँख, मतलब ये नया नया आया है भाई लॉस सैंटोस पर, अपने को सिखाएगा। और ये कह रहा है कि अभी सबसे खतरनाक वाला कमांडो हमारा आर्मी का बंदा है, वो उससे फाइट करो। भैंस की आँख, ये हंस भी रहा है ना साला। यार मुझे ऐसा गुस्सा आता ना, जो मतलब बंदा ऐसा हंस रहा है ना भाई, इसको पता नहीं मतलब सूट वूट पहना है तो क्या, मतलब बंदा नूब हो गया क्या? भैंस की आँख हंस क्या रहा है, चल निकल नूबड़े, गया अब उठ के देगा। अरे उठ रहा है वो शेडियो तो यार कहीं ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा है। ओ एक सेकंड, ये बेटा हमको भी आता है, तेरे को क्या लग रहा है मतलब तू क्या आर्मी में चला गया तो मतलब क्या बहुत ज़्यादा हीरो वगैरह बन रहा है? ये ले साला गाइस, ज़्यादा हीरो बन रहा है ये, देखो भैंस की आँख नूब कहीं का भाई, बिल्कुल ही बोट है भाई, आर्मी में किसने लिया है इसको? भैंस की आँख यहाँ पर, इसको क्या पता वन मैन आर्मी है माइकल। भैंस की आँख चल चल आ जा आ जा, जा मार मार मार, नहीं मार रहा है। ये देखो ये देख, कुछ नहीं हो रहा है बेटे, नूब कहीं का बिल्कुल ही नूब है। ये देख बच रहा हूँ तेरे से। अरे किसने लिया इसको आर्मी में ये मच्छर को, पता नहीं। शेट मैन, आ जा नहीं मारा है, ये लो अब तो मार दे बेटे। अरे ये ले चल निकल, बिल्कुल ही नूब है यार इस, ये कौन सा कमांडो है इसको हरा भाई? इसके जैसे मैं 100 भी आ जाना यूँ हरा दूंगा बेटा। पंगा ले रहा है पाप से, चल निकल नूबड़ी के, आ जा मर 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 भाई। क्या स्लो फाइट कर रहा है तू, क्या आर्मी में ज्वाइन करेगा? एंड ये कह रहा है कि सबसे पावरफुल आर्मी का बंदा है ये भाई। ये तो अब क्या ही बोलूँ यार कैसे इसको। ये देखो मार खा रहा है नूब कहेगा, मतलब आ जा बेटा आ जा मार 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 मेरे। ये ले भाई, एक ही मुक्का लग गया ना, बहुत बड़ी बात है बेटा। और जा एक सेकंड एक और आ गया भैंस की आँख। बेटा जनरल होके चीटिंग कर रहा है, चल निकल। ये गिर नहीं रहा भाई साहब, ये बहुत मोटा बंदा है यार। ओ शिट शिट, ये देखो आराम कर रहे हैं। ये कह रहा है कि जब तक नीचे नहीं गिरेंगे ना तब तक हार नहीं मानने वाले, मतलब जो नीचे गिरेगा वो हार जाएगा। यार गाइस मेरे को नीचे नहीं गिरना है भाई, ये भैंस क्या कि नीचे नहीं गिरना है। ये कह रहा है कि जो पीठ के बल गिरा वो आउट। अच्छा बेटा आ जा आ जा आ जा, एक सेकंड भाई, ये इसको अभी तो गिराया था मैंने आई थिंक। भाई मेरे को गिरा के मानोगे क्या? चीटिंग कर रहे हैं सालों आर्मी वालों के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई दिखा दूंगा इनको, पावर दिखा दूंगा क्या कर सकता है माइकल। बेटा डंडा भी ला लिया तूने, इतना बड़ा कमांडो होकर साले डंडा वगैरह यूज़ करता है। ओ शिट गाइस, क्या ही बचा ना बेटा। अरे ओ भाई बच गया, ओ शिट डंडा हो गया भी नहीं मार पा रहा है साले। 1v2 कर रहा हूँ और उसमें भी साला डबल डंडा यूज़ कर रहा है। ओके 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 कोई बात नहीं, आ जा साले, तेरा ना मुँह नहीं फोड़ा ना साले, इज्जत कर रहा हूँ आर्मी वाले उधर के। बट यार अगर मेरे उस पर आ गया ना भाई, एक गोली मार के ना अब जाने दो यार, अब ये फीस फाइट करना है अपने को और सालों को उनकी औकात दिखानी है, इनको पीठ पे गिराना है। इनको लग रहा है ये आर्मी में ज्वाइन कर लिए, बहुत बड़े वाले हीरो वगैरह बन गए। अब गाइस तुम लोग को पता है यार माइकल क्या चीज़ है, तो इसी बात पे एक लाइक वगैरह कर देना अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो। चैट पे लिख देना ओपी फीस फाइट, तो मेरे को समझ आएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। तो चलो यार भैंस की आँख साले, ये ले चल निकल मार मार। ये देखो डंडा लेके ये क्या सुपड़ी का स्पीयर मार रहा हो इसको, बिल्कुल रोवर नहीं जैसा बेटा, ये तो हवा में उड़ रहा है। एक सेकंड, इसको एक और स्पीयर मारने की कोशिश। ये देखो नीचे गिर गया, अरे आउट नहीं है क्या, पीठ पे गिरा के। ये देखो एक और स्पीयर हल्का वाला, एक सेकंड ये साला ये ज़्यादा ही ना ज़्यादा ही कर रहा है साला, रुक रुक इसको ही गिराता हूँ पहले। यार ये गिर ही नहीं रहा, ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा है मुझे। एक सेकंड गन निकाल दूँ क्या भाई, बहुत हो गया अभी मैं ना भाई। डंडा वगैरह यूज़ कर सकते इसने बोला है, मतलब बेसबॉल बैट है ना। अब इसको नीचे गिराता हूँ, एक सेकंड इसको ना भाई नीचे ही गिराता हूँ एंड इसको इसकी औकात दिखाता हूँ। ये चल गया, ये तो गया बेटे, ये तो आउट हो चुका है बिल्कुल ही। भैंस की आँख नीचे गिरने के बाद ही फाइट कर रहा है, लगता है जान से मारना पड़ेगा इसको। वो देखो वो तो नीचे चला गया, ये ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा है। यस गाइस ये ना ज़्यादा ही पावरफुल है, इसको इतना मारने के बाद भी उठ रहा है। वो देखो वो एक डंडे में भी ठंडा हो गया एंड साला गया काम से। ये देखो कितने डंडे मार रहा हूँ इसको, ये तो पावरफुल है यार गाइस, सच में ना ये बंदा पावरफुल है यार, एक नंबर ये बंदा गाइस, गजब से ना ये बंदा थोड़ा पावरफुल निकला। बट माइकल के सामने कोई टिक सकता है क्या? चल बेटा तू भी गया, बट ये तो एक ही डंडे में ठंडा हो गया एंड भाई इसका गेम ही ओवर कर दिया।
चलो यार अभी इस कालू से बात करता हूँ एंड उससे बातचीत वगैरह करते हैं। पता नहीं क्या कह रहा है मुझे। गाइस ये कह रहा है कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल निकले हैं, मुझे नहीं पता तुम लोग ऐसे हो, मतलब इतने पावरफुल हो, बट तुमने जो क्राइम करे ना वो पीछे नहीं हटने वाले, जो तुम्हारे पे क्राइम वगैरह है वो तुम पे रहने वाले और तुम जेल में जाके रहोगे जब तक ट्रेवर हमारे हाथों नहीं आता। अगर तुम हमारे सीनियर जनरल जो अपना वाला जनरल है ना उसको बचा के अगर लाते हो, मिशन सक्सेसफुल करते हो, तो तुम्हारे पे जितने भी केसेस वगैरह हैं भाई वो सब कुछ हम लोग हटा देंगे और तुम्हें फ्री कर देंगे। मतलब अगर हमने कहा इस मिशन कंप्लीट नहीं किया ना, मतलब जो सीनियर को नहीं बचाया, तो यार वो मुझे जेल में डाल देगा और जितने भी मेरे सिक्योरिटी वगैरह है भाई सब पे मतलब रेड वगैरह करवा के ना सबके एजेंसी बंद करवा देगा और तुम्हारे पास एक भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं होगी एंड तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, मतलब हर जगह रेड वगैरह की जाएंगी और तुम्हारे जितने भी पैसे वगैरह है ना तुम्हारा सिगरेट बनकर हर चीज़ जब्त की जाएंगी। और गाइस यार क्या ही बात यार, बट चलो यार अब क्या ही कर सकते हैं, अब अपने को यार अपना ही गलती है ना। अब ये ट्रेवर साला भाई अपना फ्रेंड है और गाइस ये शहर में कुछ भी किया जा रहा है तो अब अपने पे ना माने तो वाला है ही, कोई बात नहीं यार अब ना मुझे जाना है। वो कह रहे हैं कि तुमको एयरक्राफ्ट पे जाना है नेवी पर और वहाँ पे तुम्हें बातचीत करेंगे गाइस, क्योंकि इनका कुछ नहीं है, अभी पानी वाला इलाका है तो अपने को नेवी में जाना पड़ेगा ना। तो चलो ये भी अपने साथ आ रहा है, इसको इतना मार पीटने के बाद की साला मेरे पास ही आके भाई बैठ रहा है क्या, कहाँ गया वह कहाँ बैठा है ये, एक सेकेंड बहस किया, अच्छा दरवाजे में बैठा है साला, कूल बन रहा है, सो कोई बात नहीं साले बैठ जा बैठ जा बैठ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे यार फटाफट से अपने को नेवी पे जाने और पता नहीं बचा पाऊँगा कि नहीं मैं भाई। अब यार वो बंदा कहाँ गया किधर गया अभी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, मुझे तो नहीं पता, अभी नेवी शिप पे जाके पता चलेगा। सो चलो यार फटाफट से ना चलते हैं। ऑल राइट यार गाइस फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं नेवी शिप पर और यहाँ पर ही मुझे पता चलेगा कि यार जो अपना जनरल है ना, मतलब अपना जो कर्नल है भाई, वो पता नहीं यहाँ पर ही कहीं मतलब गया था मिशन वगैरह के लिए एंड वो अभी तक ना वापस नहीं आया है। एंड जो अपना यहाँ पर एक नेवी कमांडर है जो इस शिप का मतलब कमांडर वगैरह है जो भी है, उनसे बातचीत वगैरह करते हैं और पता करते हैं, और वो पता नहीं यार अपना जो कर्नल है वो कहाँ गया है, अब उसी के हाथ में ना सब कुछ है। अगर वो ज़िंदा होता तो हम बच जाएंगे, क्योंकि वो अपना वाला फ्रेंड है समझ रहे, उसको कैसे भी करके ज़िंदा लाना होगा। एंड अगर वो बचता है तो फिर भाई वो ना मुझे जेल में जाने से रोक लेगा, वरना यार ये जो नया जनरल है ना वो अपने को जेल में डाल के रहने वाला है, उसको कुछ पता भी नहीं है। एंड वो कह रहा है कि जब तक सीनियर जनरल आ नहीं जाता ना तब तक तुम्हारे पे केस लगे हुए होंगे एंड बुला बुला यार। चलो यार अब क्या ही सीन है यार गाइस, क्या ही चल रहा है लॉस सेंटर से पता नहीं यार, अब इनका पता नहीं क्या काम है। अब ये ऐसे लोग आर्मी में भर्ती करेंगे तो यार यहाँ पे इस शहर में मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला ही है ना। चलो यार ये अपने साथ ये कमांडर भी आ चुका है जिसको इतनी पिटाई करा है मैंने, हैंड साला क्या ही बात है, मतलब स्टाइल मारने में रह गए, टैटू वगैरह बना रहा है बस। चलो ठीक है भाई, किधर है भाई तुम्हारा नेवी कमांडर, एंड फटाफट से इन्फॉर्मेशन दो मुझे यार, तुम लोग खुद अपना काम नहीं कर रहे हो एंड मुझे काम दे रहे हो, बट चलो यार अब काम दे रहे हो तो अच्छी बात है, नाम तो बनेगा ना अपना। और चलो यार फटाफट से बातचीत वगैरह करते हैं एंड एक बार उससे पता नहीं यार कितने दरवाजे हैं, वे मैं तो थक ही गया उसने, ये देखो मैं डर गया ना भाई कसम से यार, ये देख रहे हो मतलब डर ही गया था बिल्कुल ही। सो चलो इससे बातचीत करते हैं और बताता हूँ आपको क्या सीन है। ऑल राइट यार गाइस इसने मेरे को सारी की सारी बातचीत वगैरह बता दी और ये कह रहा है कि देखो हम लोग एक स्पेशल मिशन के लिए गए थे, एक आपका जो जनरल है मतलब अपने जो अपना जनरल है आर्मी का भाई वो भी साथ में था एंड अपने कुछ आर्मी के कमांडोज भी थे एंड वो लोग नेवी शिप पे ना कहीं जा रहे थे, उनके मतलब मिशन वगैरह होते हैं एंड वहाँ पर ही ना अचानक से जो चाइना की आर्मी होती है ना भाई वो बीच में अटैक कर देती है, और अभी पता नहीं कैसे अभी भी वहाँ पर चाइना के लोग बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक वाले हैं एंड वो अभी मर ही नहीं रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक हो चुके हैं ये चाइना के, पता नहीं यार चाइना की आर्मी ने इन्वेट कर दिया लॉस सैंटोस में। और यार ये काम मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, आप उन लोग को याद ही होगा हम लोग ने पहले ही ना चाइना के कुछ मतलब टेंट्स वगैरह लगे हुए थे लॉस सैंटोस में, उनको उखाड़ फेंका। ये कह रहा है कि अब तो पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा यहाँ पर चाइना की आर्मी फोर्सेस वगैरह ना लॉस सैंटोस में घुस चुके, यार ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाला सीन लग रहा है।
मतलब डायरेक्ट गैंग नहीं कुछ नहीं भाई, डायरेक्ट देश की फाइट हो रही है। और यहाँ पे देश की फाइट में माइकल भी आ गया बीच में। सो चलो यार अब क्या ही करें, अब बड़ा वाला मैटर हो गया तो माइकल को तो आना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, अब ये कह रहा है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में, हम लोग भी कुछ करेंगे। बट यार ये कह रहे हैं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट हमारी सारी सेना लेके हम लोग अटैक वगैरह कर सकते हैं। बट उन्होंने ब्लॉक मतलब ब्लैकमेल किया है, समझ रहे हो? ब्लैकमेल मतलब समझ रहे हो ना गाइस? अगर हम लोग डायरेक्ट वगैरह अटैक करेंगे तो भाई वो जनरल को मार देंगे। एंड वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ होस्टेजेस वगैरह भी है जो कि ना वो भी उनकी जान भी खतरे में, तो उनको कुछ समझ वगैरह नहीं आ रहा तो मैं कुछ करूँ। तो यार देखो मेरा प्लान कुछ नहीं है भाई, इसको लग रहा है मैं कुछ करूँगा बट मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन मारे एंड कौन जाए, ठीक है ना। अब ऐसे ही सोचते बैठेंगे तो कुछ तो होने वाला तो है नहीं। मतलब ये सोच रहा है कि अब इनकी जान जाएगी उनकी जान जाएगी, भाई अगर तुम यही सोचोगे तो फिर तो यार वो मरना तय है यार। वही तो वो चाहते हैं कि उन्हें और टाइम मिले और वो लॉस सैंटोस में अपना और कब्जा कर सके, और वो कल जाके तो प्रेसिडेंट को भी किडनैप कर लेंगे, तो क्या फिर गाइस कुछ भी नहीं करोगे क्या? कोई ना कोई तो मरना चाहिए ना। तो चल यार कमांडर फटाफट से, ये बोट है क्या? एक सेकंड भाई साहब, ये बोट है भाई कसम से, ये कह रहे कि ये, तो चलो इसमें बैठ ही लेते हैं। और गाइस ये एकदम ख़तरनाक वाली बोट है, और ये कह रहे कि इसको कुछ नहीं होता है मिसाइल वगैरह से। गाइस क्या ही लुक है इसका, बिल्कुल ही शार्क टाइप है यार। एक सेकंड क्या लुक है इसका यार। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैट पे लिख दो यार शार्क बोट ओप पे लिख दो यार, क्या ही लुक है यार, मतलब कसम से। चलो यार अभी फटाफट से जाते हैं और वो शिप जाते हैं जहाँ अपना कर्नल वगैरह था ना, अब वहाँ पर ही जाते हैं एंड वहाँ पर ही आपको मिलता हूँ गाइस डायरेक्टली, वरना बहुत टाइम लग जाएगा एंड समुंदर के बहुत ज़्यादा ही दूर है। सो चलो यार फटाफट से यार, और इसका लुक ही देखो यार। चलो कोई ना, मिलते हैं आपको लोकेशन वगैरह पे। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली फाइनली भाई साहब बहुत ही दूर आ चुके हैं हम लोग, बिल्कुल इतने दूर आ चुके हैं ना। और हमको यार अपनी जो आर्मी की नेवी वाली शिप दिख रही है यहाँ पर। चलो यार अब इतनी बड़ी शिप है यार ये, कसम से ये कैसे हाईजैक हो सकती है। और ये चाइना के बंदे बहुत ज़्यादा ही मतलब इधर से ही कहीं से आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बीचों समुंदर में हम लोग गाइस, समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो, समुंदर नहीं हो, समझ रहे हो? और गाइस यार मैं तो डायरेक्ट आगे भगा रहा हूँ एंड ये नेवी वाला बोल रहा है कि तू हमें मरवाएगा, तू पागल हो चुका है, हमको भी मरवाएगा। अरे यार हमारा काम ही ऐसा सर जी, देखो डायरेक्ट मिसाइल छोड़ दिया मैंने, ओ भाई इसकी आग वो भी मिस हो गया। वो कह रहा है कि देखो अब हम भी मारे जाएंगे, भाई हम ऐसे ही फाइट करते हैं अगर ये बंदे ये फट चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि ना कोई प्लान वगैरह, तुम इधर हमें ले आए हो या तू ही मेरे को इधर ले आए हो, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मरूँ या करूँ वाला गेम है ना मेरे लिए। उस जनरल ने मेरे को कल रात तक का टाइम दिया है और एक रात में थोड़ी ना सब कुछ होने वाला है। और गाइस मैंने इधर मेरी सिक्योरिटी वगैरह मैंने लाई है, मैं नहीं चाहता कि मेरे सिक्योरिटी के लोग मरे। और चलो यार फटाफट से ना, भाई मुझे नहीं लग रहा इधर जनरल वगैरह हो सकता है, वरना यार लग रहा है, मुझे लग रहा है ना उसको मार ही दिया होगा भाई, मुझे लग रहा है ना उसको मार ही दिया है गाइस। भाई चलो यार एक सेकंड पहले ना सारी लोकेशन वगैरह तो इधर देख लिया, ज़्यादा लोग नहीं है। ओ शिट यार साले के सारे मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं यार। अरे क्या ही कर रहे हो नेवी वाले, सही मिसाइल लॉन्च करो ना यार। एक काम करो तो मेरे को दे दो, तो मैं चलाता हूँ। भैंस क्या क्या ही मिसाइल छोड़ रहा है, मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देखो यार खतरनाक वाला गाइस, क्या ये अपनी वाली नेवी है ठीक है ना, भाई उस पर कब्जा कर लिया है भैंस किया। ऑल राइट ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जाएंगे एंड डरने वाली कोई बात नहीं है बिल्कुल भी, इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलो आई थिंक यही स्टैंड वगैरह यहाँ से उतर जाते हैं। ओह शिट ऑल राइट, ये यहाँ से ना हम लोग आराम से चढ़ सकते हैं ऊपर और शिप में एंट्री मारेंगे, बिल्कुल ही एक नंबर वाली एंट्री करेंगे भाई। अपने साथ कमांडर भी है ख़तरनाक वाला, तो यार चलो। तो यार ऑल राइट मैं ऊपर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे ना खतरनाक वाली फाइट वगैरह मैं कर रहा हूँ। चाइना के लोग हैं, मैंने सही बोला था वैसे, चाइना के लोग यार ये बॉडी आवाम में उठ रही है, जादू वगैरह हो रहा है इधर तो यार कसम से। और एक सेकंड भाई साहब इतनी पावरफुल नेवी को ये लोग कैसे कब्जा कर सकते हैं। ऑलराइट ओह शिट ऑलराइट ऑलराइट, बहुत कम है यार बहुत कम है। और यहाँ पे अपनी आर्मी के भी लोग आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ना अपनी आर्मी के भी लोग आ चुके हैं
और नेवी के बंदे ने कुछ अपने आर्मी के लोग भी बुला लिए यहाँ पर अपने बोट्स में, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहस की आग मतलब क्या ही बोले, इनसे कुछ होता नहीं है, मेरे को आगे भेज दिया। बट इधर ना कोई मेरे को अपना जनरल वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, जो कि बुरी बात है। बहस की आग गाइस, ये तो अपनी नेवी है, बट यार अब नेवी अपनी तो ऐसे तो नहीं ना, ये लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। अब उस स्टूडियो कहाँ से मिसाइल छूट रहा है, ये एक सेकंड, अपना ही बंदा है क्या, पता नहीं कहाँ से छूटा है मिसाइल। अरे वो नीचे गिर गया अपना कमांडर यार। चलो यार फटाफट से ऊपर जाते हैं यार। गाइस यार ये क्या हो रहा है, ये एक सेकंड में फटाफट से ना ऊपर ही मिलता हूँ आप लोग को। यार लग रहा है ना मेरे को टाइम लगेगा चढ़ने में। एक सेकंड यार, ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा गाइस। फटाफट से ना ढूंढता हूँ रास्ता, एंड पता नहीं यार गाइस इधर से कहीं रास्ता वगैरह होना चाहिए। और लेट्स गो, यहाँ पे आर्मी के भी लोग आ चुके हैं। जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ो बे, जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ो। और यहाँ पे अपने आर्मी के भाई सब देख रहे हो, सारे के सारे आ चुके हैं भाई सब। बहुत बढ़िया, एक ही नंबर, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और यार फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ। और ये देखो यार आर्मी के लोग कितने कम है ना भाई, इतने कम है, बट ये बहुत पावरफुल है। मैंने सोचा नहीं था ये इतने पावरफुल निकलने वाले हैं। ये चाइना की आर्मी मतलब अब क्या ही बोले, चाइना का प्रेसिडेंट कर क्या रहा है, इसकी बहस क्या, मतलब लॉस एंजेलस में हमला कर रहा है डायरेक्ट। इसको ना भाई डर नहीं लग रहा है बिल्कुल, ये तो मर ही नहीं रहे बिल्कुल ही। शेट यार, कोई बात नहीं गाइस, फुल ट्राई करूँगा। और ये आर्मी वालों को फट रही है बिल्कुल ही, देख रहे हो फायर वगैरह कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हेलीकॉप्टर वगैरह चला रहे हैं। यार मिसाइल वगैरह छोड़ो ना यार, तुम लोग डरो मत यार। ये कह रहा है, मुझे लग रहा है ना ये इनकी नेवी शिप टूट जाएंगी, इसलिए मिसाइल वगैरह छोड़ नहीं रहे। अरे बहस की अब जाने दो यार, फुल पैसा है भाई अपने प्रेसिडेंट के पास, पैसे आप लेंगे मशीन छाप लेंगे। यार ये लोग डर रहे हैं बिल्कुल, इनको लग रहा है कि समझ रहे हो, ये बहुत महंगी आती है, पता नहीं गाइस इतनी बड़ी नेवी शिप है तो महंगी तो आने वाली है। यार फटाफट से मिसाइल वगैरह छोड़ो यार, डरो मत, प्रेसिडेंट का ऑफर है भाई, छोड़ो फटाफट से। चलो भाई मिसाइल छोड़ ही दिया फाइनली। वो देखो मैंने बोला था यार इतना पैसा वगैरह है ना, इतना फट रहे कुछ नहीं होने वाला, ये नेवी शिप है। ओ शिट नीचे गिर गया। एक सेकंड यहाँ पर मिसाइल छोड़ दो, एक यहाँ पर भी छोड़ दो भाई, ये लोग मरने वाले नहीं ऐसे ही। ओ शिट क्या ही बचाओ, गजब बहुत ही बढ़िया वाला काम ना चल रहा है गाइस, एक ही नंबर वाला काम चल रहा है। और ये जेट प्लेन्स भी अपने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसकी बहस क्या, देख रहे कितना पावरफुल है, मैंने बोला था आपने को ये चाइना के आर्मी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो गए, बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो रहा है ये लोग। कोई बात नहीं लेट्स गो। और ये लोग का ना गाइस गेम ओवर करना होगा, मुझे लगा लॉस एंजेलस से चले गए, बट ये लोग तो भाई आते ही जा रहे हैं। और इनका चेहरा भी एक जैसे होता है बिल्कुल ही, मतलब क्या ही बोलो। इसकी बहस क्या, ये कितने लोग है। ऑलराइट यार शिट, इसको भी मार देता हूँ, चल निकल साले बहस की आग। एक सेकंड उसको मार दिया किसी ने। ओ शिट गया गाइस, ऑलराइट खत्म है यार। कितने लोग हैं यार, ये आर्मी वाले नीचे ही। यार ये आर्मी वाली पट्टू आर्मी, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ अपने को ही करना है। ये बस तमाशा देख रहे नीचे देखो आप लोग, आर्मी के इतने लोग हैं ना मैप में देखो, एंड सब कुछ दिख रहा है भाई, इतने लोग आ चुके हैं ना आर्मी के भाई, ये लोग इनको इतनी फट रही है, आप समझ ही सकते हो कितना खतरनाक आर्मी है चाइना की भाई। चाइना का माल समझ के मार दो यार, बट क्या ही नहीं। ये देखो भाई फुल वेस्ट वगैरह है। ओ शिट, ओ पूरी मैगजीन खाने के बाद ही मरा है कसम से, पूरी मैगजीन खाने के बाद। ये देखो, अरे मर जा भाई, पूरी मैगजीन खा के मान रहे हैं ये लोग, इसीलिए तो इनकी फट रही है अपनी आर्मी वालों की। देख रहे हो नीचे से, देखो अब नाटक करेंगे, अब आएंगे ऊपर वगैरह एंड फुगिर वगैरह करेंगे। ये बिंदास लड़ रहे, देख रहे हो, इसको कहते हैं आर्मी, वन मैन आर्मी। ये देखो एक सेकंड बेटा, माइकल के सामने चलने नहीं वाला ये आर्मी वगैरह का, तुम मार दोगे हमारे, बट माइकल के सामने ना बच्चे हो, समझ रहे हो, माइकल के सामने कोई भी आ जाए वो बच्चे के बच्चे रहने वाला है, समझ रहे हो ना, क्योंकि माइकल होता है। और ये क्या ही पावरफुल शिप है। और यहाँ पे ये देखो बस आर्मी के लोग आके ना फुगिर वगैरह मार रहे हैं, स्टाइल वगैरह मार रहे हैं, इनको लग रहा है हमने बहुत बड़ा वाला काम कर दिया है। एंड इनकी अगले दिन तस्वीर आएंगी फोटो में, यार घट्टा यार कुछ हो नहीं रहा, एक बंदा मर नहीं रहा, इनसे छुटके से मार रहे हैं, क्या ही लोग। ये देखो बस कितने बड़े बड़े वाले तोप हैं,
बिकॉज ये वाली शिप हाईजैक की है चाइना की आर्मी ने, और यहाँ से जनरल को किडनैप करके ले गए वो लोग। तो सोचो कितने पावरफुल हो सकती है ये आर्मी, और इनके तो अभी आधे लोग मरे हैं, बहुत ज़्यादा ही गए यार। ये तो खंदा वाला सीन है यार, मतलब अब क्या ही बोलो यार, अपने को लॉस सैंटोस पे राज करना है और यहाँ पे मैं लॉस सैंटोस को ही बचा रहा हूँ एक देश की तरह, एंड क्या ही बोले। ऑलराइट गाइस, ठीक है एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर जनरल वगैरह मेरे को दिखने वाला तो है नहीं, और यहाँ पे अपने कुछ आर्मी के ऑफिसर मरे हुए हैं, इनके पास गन भी नहीं है, साले लूबड़े कह के मर चुके, इतने कम लोग से भाई तुम लोग आर्मी के नाम पर धब्बा हो भाई, साला इतना पैसा दे रहे हैं तुम लोग को भाई, इतने ज़्यादा एयरप्लेन वगैरह, इतनी ज़्यादा वेस्ट वगैरह दे रहे हैं ना। चलो यार अभी फटाफट से यार नेवी वालों को बुलाते हैं एंड कहते हैं कि यार तुम लोग देखो एंड फटाफट से आगे वगैरह क्या करना है मुझे बोलो। एंड ऑल राइट यार गाइस, ये जो आर्मी का कमांडर है ना, नेवी का कमांडर, ये कह रहे हैं कि देखो अभी तो यार जनरल है ना भाई, जनरल तो अभी फंसा हुआ ही है एंड हमें थोड़ा और आगे जाकर ढूंढना होगा। तो चलो यार अभी यार जनरल को ढूंढते हैं गाइस, इतने बड़े समुद्र में कहाँ ढूंढेंगे, और ये आर्मी वाले बिल्कुल फद्दू है, इनसे कुछ होने वाला है नहीं। तो हमको ये और मेरा जो दोस्त है ना कमांडर, अभी मतलब जिससे मैं फाइट कर रहा था, अभी दोस्त तो मतलब बनी गए, तो चलो यार उसी को लेके जाता हूँ, वही कोई मेरे को लग रहा है एक बढ़िया वाला आर्मी कमांडर। तो चलो फटाफट से जाते हैं, इनसे तो कुछ होने वाला नहीं है, एंड लोकेशन पे आपको मिलता हूँ विदाउट कोई टाइम पास किए। ऑलराइट यार गाइस, फाइनली ना हम लोग ने ढूंढते यार इतने दूर आ चुके हैं ना, और यहाँ पर मेरे को एक आइलैंड मिला है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है ना यार यहाँ पर ही गाइस जनरल को इन लोग ने किडनैप वगैरह किया हुआ। यहाँ पर एक पहाड़ वगैरह नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर इतने ज़्यादा झाड़ वगैरह है ना, एक काम करता हूँ पहले मैं यहाँ पर ना उतर जाते हैं, एंड अगर बोट को लेके जाऊँगा तो उन्हें पता लग सकता है कि यार यहाँ पर कोई वगैरह है, एंड वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। एंड वैसे ना हम लोग सारी आर्मी वगैरह इधर लेके नहीं आएंगे, उसका कुछ रीज़न है आपको पता है, अपना जो जनरल है ना, मतलब जनरल जो कर्नल है वगैरह, उसकी जान खतरे में हो सकती है, तो मैं नहीं चाहता कि वो बेचारा मरे एंड मैं जेल में जाऊँ, समझ रहे हो गाइस। तो यार मुझे कैसे भी करके ना भाई आज से ही उसको बचाना है, वरना हमारी सारी सिक्योरिटी एंड जितने भी अपने मेंशन हैं भाई सबको सील कर देंगे, और गाइस बैंक्रप्ट हो जाएंगे अपन, और मुझे खुद जो इस जूनियर कर्नल है ना उसने धमकी दी है, और आपने देखा होगा यार मतलब कुछ ज़्यादा ही कर रहा है ये बच्चा, मतलब जूनियर है फिर भी आके ना भाई माइकल के सामने मुंह खोल रहा है, अगर इसकी औकात दिखा दो ना साले को। तो चलो यार फटाफट से अभी आपको बहुत टाइम पास हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा और लेके जाता हूँ आगे, वरना इधर ना तैरते तैरते बहुत टाइम लग सकता है। सो यार एक काम करते हैं ना, फटाफट थोड़ा सा आगे चल जाते हैं, स्किप वगैरह कर देता हूँ मैं, एंड आप लोग वीडियो को जब तक लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, यार आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हो यार, अभी भी बहुत दूर है यहाँ पर देख सकते हो यार। एक काम करते हैं, स्किप करना ही पड़ेगा, मुझे लगा पहुँच गया, बट चलो यार फटाफट से ना आगे जाते। ऑल राइट यार गाइस, देखो थोड़ा सा स्किप मार लिया था एंड आई थिंक हम लोग थोड़ा नज़दीक आ चुके, मतलब थोड़ा ही नहीं यार, चलो यार भाई कितना ना दूर है यार, यार लग रहा है इतना नज़दीक है, लग रहा था ना इतना नज़दीक है अभी भाई, बहुत ज़्यादा ही दूर है यार कसम से, मैंने स्किप भी किया बट अभी भी पहुंच नहीं पाया। लेट्स गो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर एक सेकंड, ये क्या था, डॉल्फिन थी ना या शार्क थी यार, डॉल्फिन थी यार वो गाइस। चलो लेट्स गो, एंड कुछ फिश वगैरह भी है भाई, कोई सांप वगैरह मगरमच्छ ना हो यार, एंड शार्क वगैरह ना हो गाइस। एक सेकंड, यहाँ पे मेरे को कोई फ्लैग वगैरह नज़र आ रहा है, एंड जो मेरा शक था ना वो फ्लैग चाइना का ही है, मतलब जो अभी आर्मी से हम फाइट कर रहे थे वही है, तो वो आर्मी ने यहाँ पर भी अपना कैंप वगैरह लगवा दिया है, कसम से गाइस ये चाइना वाले ना पूरे लॉस सैंटोस में भाई कब्जा बनाना चाहते हैं भैंस की आँख यार। और अपनी जो लॉस सैंटोस की आर्मी है यूएस वाली, भाई पता नहीं क्या कर रही है यार, तुम लोग कर क्या रहे हो यार लॉस सैंटोस के, अभी ये मतलब लॉस सैंटोस में तो नहीं है हम लोग, अभी बहुत दूर है, आइलैंड है ये, बट फिर भी यार देखना चाहिए ना, मतलब रडार वगैरह में कुछ पेट्रोलिंग वगैरह करनी चाहिए। भाई मैं डर गया ना भैंस क्या वहाँ से आ गया। चल चल इधर चल, एक सेकंड, अपने इधर तो रास्ता सब कुछ बंद नज़र आ रहा है, पहले कहीं समय ना सब कुछ एक बार चेक वगैरह करना होगा, समझ रहे हो, पता नहीं अपने कर्नल को कहाँ छुपा के रखा है वगैरह वगैरह, आई डोंट नो।
बहस किया, कोई बात नहीं, एक सेकंड, आराम से, यह एक बोट नज़र तो आ रही है और ऊपर कोई है तो नहीं ना, वरना साला मेरे को हेडशॉट वगैरह मार देगा एंड प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। सो चलो यार एक सेकंड, मैं ना बोट के अंदर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, एक सेकंड बाय इसमें देखता हूँ, स्कोप में देख लेते हैं एंड एक सेकंड, भाई दूर से नज़र नहीं आ रहे थे जब इसको ऑन किया ना बहस किया, कि देखो एक दो तीन चार तो है उसमें यार, वहाँ से जा नहीं सकते, उधर रास्ता ही नहीं है, क्या करें कमांडर बोल, मतलब कमांडर नहीं कमांडो है जो भी है भाई, तू ऑफिसर आर्मी बोले जो बोले सोल्जर बोले भाई। यहाँ पर देख रहे हो फ्लैग वगैरह तो लगा है, ये देखो सामने ना एक बड़े बड़े चाइना के फ्लैग वगैरह नज़र आ रहे हैं। एक सेकंड, ये स्कोप के सामने छाड़ा आ गया यार, एक सेकंड भाई बच के रहना होगा, वरना कैसे इनको पता चल गया ना ये लोग डायरेक्ट कर्नल की जान ले लेंगे। ये देखो वैसे ये चाइना की आर्मी है शार गाइस, अब क्या करें किस, आप लोग ही बोलो यार, अभी चाइना को हराने के लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिए क्या भाई, आप लोग क्या बोलते मेरे को एक बार चैट पे बताना भाई, आपकी जो भी देश देश की आर्मी हो भाई वो आर्मी ऐड करके इनका गेम ख़त्म करना होगा गाइस, आप लोग मेरे को चैट पे बता दो गाइस, आप लोग बोलो गाइस, क्योंकि लॉस सैंटोस की आर्मी से तो भाई कुछ हो नहीं रहा, क्या पता गाइस इंडियन आर्मी और आप कौन कौन से देश से देख रहे हो मेरे को एक बार चैट पे बताना। वैसे तो गाइस बहुत अलग अलग देशों से हमको हमारी वीडियो देखी जाती है, आप फिर भी एक बार अपने अपने देश का नाम टाइप कर देना, वैसे हम तो इंडिया से ब्रो, एंड आप लोग कहाँ से हो, वैसे सारी मेरी ऑडियंस इंडिया से है बट 60% मेरी ऑडियंस इंडिया से है एंड 40% ऑडियंस है ना जो अलग अलग मतलब बांग्ला नेपाल और पाकिस्तान एंड बहुत अलग अलग देशों से है एंड वहाँ से, तो यार आप लोग कमेंट करना अगर मेरी वीडियो वहाँ से देख रहे हो। सो चलो यार एक सेकंड फटाफट से ना एक काम करता, एक ही रास्ता है हमारे पास भाई, पानी में जाके ना, पानी में जाके एक सेकंड यार गाइस, क्योंकि भाई रास्ता पूरा ब्लॉक है ठीक है ना, हम लोग वहाँ से जा ही नहीं सकते। तो यार क्या है रास्ता मिला है कसम से, एक ही नंबर, अरे शिट यहाँ पे रास्ता नहीं, मुझे लगा रास्ता है। ऑल राइट यार एक सेकंड गाइस, भाई सही टाइम पे आया हो ना भाई, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया ना, मुझे बस अंदर एंट्री करनी है समझ रहे हो, क्योंकि पूरा पैक करके रखा है इन लोगों ने, पूरा का पूरा ना वो लगा रखा है उसकी भैंस की आग, मुझे लगा इधर से जा सकता हूँ एंड एक सेकंड, यह कहाँ पे आ गया, ओए ओरे भैंस की आग बच गया कसम से, देखा आप लोग ने भाई सामने आर्मी के बंदे थे एंड मेरे फट के हाथ में आ गई थी, मतलब सामने बंदे मैंने देखा ही नहीं, इधर बोट है भाई कसम से, पता नहीं कैसे बच गया, मुझे लगा फायर करेंगे भैंस की आग बट बच गया, वो देखो भाई फट के हाथ में आ गई थी मेरी, मैंने नोटिस ही नहीं किया, मैं पीछे देख रहा हूँ और यहाँ पे रास्ता है कि नहीं, रास्ता तो होना चाहिए ना। चलो फटाफट से एक सेकंड, चलो बहुत बढ़िया भाई सब, क्या ही रास्ता है ना ये, मुझे लग रहा है सीक्रेट रास्ता है इनका, और लकड़ी वगैरह सारे तोड़ के रख दी इन्होंने, इतने बड़े बड़े जंगल है ना ये, मतलब इतना बड़ा पूरा जंगल को इन्होंने तोड़ के लकड़ियाँ वकड़ियाँ रहने के लिए घर वगैरह बनाने के लिए ना जमा कर रहे हैं इसकी भैंस की यार, पता नहीं चंदन की लकड़ी तो नहीं है ना, और कितने बड़े बड़े पेड़ है देख रहे हो, ओ भाई साहब कोई बात नहीं, लेट्स गो गाइस एंड मुझे बस अपने कर्नल की जान बचानी है, बस एक बार कर्नल की जान बचा लूँ फिर इनकी ऐसी की तैसी और अपनी आर्मी वाले बंदों को बुला के ना इनका गेम ही ओवर कर देंगे। और यहाँ पर भी आर्मी के लोग खड़े हैं एंड अंदर तो मेरे को एंट्री मिल ही नहीं रही यार, एक सेकंड गाइस, वैसे अंदर तो मैं आ चुका हूँ बट यहाँ से मेरे को आई थिंक पहाड़ पे ही चढ़ के जाना होगा गाइस, क्योंकि ना भाई सीढ़ी वगैरह तो होने वाली तो है नहीं, समझ रहे हो भाई सीढ़ियाँ वगैरह तो होने तो वाले हैं नहीं ना, तो मेरे को अब पहाड़ी चढ़ना होगा एंड क्या पता उधर वॉल वगैरह हो गई तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, अब क्या ही करें यार, अब जाना तो है इस इतने दूर आए हो तो क्या टाइम पास थोड़ी करेगी, अब इतना ज़्यादा ही टाइम जा रहा है, जब तक आप लोग लाइक करो यार फटाफट से शेयर करो और वीडियो को स्किप मत किया करो गाइस, तो गाइस स्किप करोगे तो यार देखो गाइस वीडियो लेट आएंगी गाइस, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो ना तो वीडियो गाइस दूसरे लोगों तक जाती नहीं है एंड फिर यूट्यूब को लगता है कि यार लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रही, फिर गाइस चैनल डाउन हो जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ फुल वीडियो वॉच किया करो जिससे हमें सपोर्ट मिलता है
एंड दूसरे गेम को भी सपोर्ट किया करो यार, सिर्फ GTA 5 को नहीं भाई, सारे गेम में सपोर्ट किया करो, फिर बंदे को ना अच्छा लगता है। तो चलो यार गाइस, बहुत हो गई बातें एंड आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर ना बंदे वगैरह ये देखो गाइस, वो देखो गाइस, वहाँ से कितने दूर से आया हो, मैं देख रहे हो इतने दूर से स्विमिंग करते हुए आया हो। और अपना ये जो आर्मी का बंदा है वो कहाँ गया, भैंस क्या कहाँ गया बे भाई? यहाँ पर मेरे को कोई चाइना के बंदे नज़र नहीं आ रहे, इधर बहुत कम है क्या? मेरे को लग रहा है ये लोग ट्रेनिंग वगैरह करने गए होंगे, पता नहीं, मेरे को ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, बस 10 या 8 नज़र आ गए इधर से। ये देखो 3 और वो 4, 5, 6। और यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पे तो कुछ लॉस सैंटोस के लोग हैं, पता नहीं इनको ना केज में बंद करके रखा है। मुझे लग रहा है इसी में ना अपना कर्नल वगैरह होगा एंड भैंस की आप आर्मी वाला बंदा कहाँ गया भाई, मेरे पीछे तो था वो यार, वो बंदा चला तो नहीं गया ना? हाँ यही है भाई, डर गया ना मैं, भैंस की आँख में अकेला छोड़ के चला गया यार। कैसे इसकी देखो, हम लोग डायरेक्ट फाइट लेंगे ना, तो कोई बचाने के लिए चाहिए कर्नल, समझ रहे हो? तो मेरे को एक सेकंड मिनी गन वगैरह निकालनी होगी। और गाइस भाई फाइट ले तो अब कुछ भी हो जाए, वैसे भी गाइस अगर मैं नहीं बचा पाया तो भाई कल मेरे को ये लोग जेल में डाल देंगे और सारी की सारी मेरी सिक्योरिटी को ना ख़त्म कर देंगे। तो चलो यार, मैंने निकाल दी अपनी मिनी गन और बस काश ये मर जाए भाई, इनको कुछ होता नहीं है, बहुत पावरफुल आर्मी है भाई, मर रहे हैं। इन्होंने वेस्ट वगैरह नहीं पहनी, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बस ऐसे वेस्ट ज़्यादा मतलब, और इतने ज़्यादा होस्टेज से कसम से, और इसमें कौन है भाई, इसमें अपना जनरल है भैंस की आँख, अपना जनरल कर्नल को भाई इधर रखा है इन्होंने भाई, क्या ही कैसे कैसे रूम बना कर। ओ शिट, ओ शिट भाई, बहुत बंदे आ रहे, बहुत बंदे आर्मी वाले, पागल हो गया, ये मरेगा पक्का मरेगा। अरे बेटे पीछे आ जा वरना मरेगा बेटे, कितने ज़्यादा लोग हैं वो, ये पक्का मरने वाला है, कितना आगे जाके ना भाई स्टाइल वगैरह मार रहा है साले, मरेगा भाई पक्का मरेगा। अरे सॉरी गलती से उसको फायर कर दिया कसम से भाई, इतना बड़ा पेड़ है ना ये भाई, समझ नहीं आया भाई, मर ही नहीं रही है भाई, इन लोग ने फुल वगैरह वेस्ट पहनी है। और शिट ये बंदा कर्नल को मारने आया था, वैस क्या, रुको एक सेकंड, अरे मर ही नहीं रहा, अरे चचा मरो, अरे यार वो पीछे से अलग मार रहे हैं, अरे कहाँ गया वो अपना आर्मी वाला यार, यार ये मर ही नहीं रहे क्या, अब मुझे सीमेंट खाता है क्या रोज? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बंदा भी संभाल रहा है अपना आर्मी का बंदा भाई, मुझे ना यहाँ पे रुकना होगा और सब कुछ संभालना होगा भाई, क्योंकि वो लोग ना मारने के लिए आ रहे हैं बिल्कुल ही। कोई बात नहीं, लेट्स गो यार गाइस, वो बंदा आई थिंक सबको मार दे यार, आई होप कि सबको मार दे, वो बंदा मर ना जाए। देखो गाइस इसलिए मैं ना, ये देखो कर्नल को मारने के लिए आ रहा था भैंस की आप, कैसे भागते वारा देखा आप लोग ने, इसीलिए मैं इधर खड़ा हूँ, वरना सालों को ना ऐसे ऐसे मारता ना भगा। यार अब इनकी जान भी बचानी है, बस यार वो आर्मी का बंदा सब कुछ संभाल ले यार, सब कुछ संभाल लेना, वो देखो फाइट कर रहा है बेचारा, उसकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, ओ शिट, आरपीजी लॉन्च कर दिया कुत्ता साला, ओ शिट, ओ माय गॉड भाई साहब, उस बंदे ने आरपीजी छोड़ा है, आरपीजी और आग लग गई यार, भागो भागो सालो, मरोगे यार, बहुत ज़्यादा लोग मर चुके अपने यार, 4-5 ही बचे भाई, यहाँ पर भी आग लगी है, चलो अपना जनरल भी उठ चुका है, और ये देखो साले तो समझ, अरे मार आर्मी वाले मार, अरे वो लड़की कैसे भाग रही है, वो लड़की बच गई, पता नहीं कहाँ से निकली है साली भाई, बच के ना भाई, लग रहा है बड़ी बड़ी जंप मार दी है, उसको लगा है वो होंगी फिटनेस वगैरह होगी, अरे ऊपर तो छत वगैरह तो है नहीं, तो भाई वो जंप करके निकल गई है, उसको लग रहा है फाइट वगैरह हो रही है भागो, अरे निकाल रहा हूँ सर जी रुको यार, भाई वो कह रहा है कि निकाल मुझे जल्दी से, अरे इधर फाइट चल रही है और इसको ना भाई बाहर निकलने की पड़ी, बाहर निकल के भी क्या कहेगा बेटे, भाई लड़ना तो आता नहीं तेरे को भाई, देख रहे कैसे बोल रहा था कान में, जल्दी से बाहर निकाल, अरे रुको सर जी रुको निकाल रहा हूँ ना, पहले इनको तो बैंड बजाने दो, ये इतने खतरनाक वाले बंदे तुमसे मरने से नहीं रहेंगे, तुमको मार के निकल जाएंगे, इतने पावरफुल वाली आर्मी चाइना की। ये देखो ओ शिट अभी भी ओ शिट ये मरा नहीं, देख रहे हो मैंने बोला था आप चाइना वाले भाई, इनका माल एकदम
चाइना जैसे ही है, बट ये मोबाइल ज़्यादा ही टिक रहा है। देखो चल निकल बेटा, चल निकल चाइना में निकल जा से। और एक सेकंड गाइस, भाई होस्टेजेस की सारी जान जा चुकी है। और एक होस्टेजेस कहाँ गया था, इधर से कहीं भागा था ना वो भाई, कहाँ गया था पता नहीं। और एक सेकंड इसको मैं फोड़ दूँ पहले। चल 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 चल, फूट ही नहीं रहा भाई, अब तो फूटेगा एक दो तीन। अरे अब भी गया, चल साल है, फूटा नहीं है, डूब गया है। अभी भी और भी लग रहे हैं, मुझे लग रहा है ना अभी और भी बंदे इधर हो सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है ठीक है, सब कुछ ख़त्म है यार। गाइस ये कसम से बोलूँ ना, चलो तुम इसको भी फोड़ ही देता हूँ। कितनी फाइट कर रहा है माइकल यार। एक बार चैट में माइकल वन मैन आर्मी, देखी दो यार, फाइट डिजर्व करता है माइकल। इतनी खतरनाक वाली फाइट अकेले विदाउट कोई सिक्योरिटी के आज ना प्रूव कर ही दिया है माइकल। वरना बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार माइकल विदाउट सिक्योरिटी कुछ कर नहीं सकता है, तो यार देखो उन लोग को भी आज रिप्लाई मिल चुका है कि यार माइकल विदाउट सिक्योरिटी के भी कुछ कर सकता है। वरना कुछ लोग मेरे को लिख रहे थे यार ऐसे ऐसे वैसे, बट मैंने फोकस नहीं किया। बट आज मेरे को चांस मिला तो यार मैंने प्रूफ कर ही दिखाया। तो यार एक बार चैट में माइकल वन मैन आर्मी लिख देना, वरना यार ऐसे नहीं कि तुम लोग लिखते हो माइकल विदाउट सिक्योरिटी के जी नहीं सकता। भाई माइकल है भाई, किसके भी मुंह से भी ना बाहर निकल के आ सकता, इतना दम रखता है माइकल। तो यार गाइस माइकल ऐसा वैसा बंदा नहीं है, खतरनाक वाला माफिया। एक सेकंड, कोई मार ही रहा है, कोई मार ही रहा है, फैस किया ऊपर ही है क्या, अभी तो मारे थे मैंने। ओ शिट, ऑल राइट गाइस, चलो अब फटाफट से आई थिंक वहाँ पे ना हमको होस्टेजेस वगैरह की जान बचानी चाहिए। और आर्मी वगैरह को कॉल करता हूँ और उनको कहता हूँ कि फटाफट से आ जाओ, हमने जनरल को बचा लिया, अब सब कुछ सेफ है, मिशन वगैरह तुम वो कर दो। चलो इसने सारे गेट वगैरह खोल दिए बेचारे ने, और सिर्फ चार ही जिंदा बच के आए हो क्या। अरे मैडम तुम्हारे साथ कुछ गलत काम तो नहीं हुआ ना, सब कुछ ठीक है ना तुम्हारे साथ। चलो ये कह रहे कि यार हमको ना टॉर्चर वगैरह किया गया है। हाँ भाई यार चलो अब क्या कर सकते, तुम लोग भी ऐसी जगह घूमने मत आया करो ना। फिर ये कह रहे कि हम घूमने के लिए आए थे, वो तो दिख ही रहा है यार, तुम लोग घूमने के लिए आते हो याच वगैरह में एंड तुमको किडनैप कर दिए। ये सारे के सारे याच में पार्टी वगैरह कर रहे थे, सालों पार्टी कर रहे हो जाके, अब क्या बोले, छोड़ो यार किस। अब यार फटाफट से कॉल वगैरह करना होगा एंड हेलीकॉप्टर वगैरह मंगवाने होंगे। ऑल राइट यार कैसे, हमने आर्मी वगैरह कॉल तो वगैरह तो कर दिया है, और यहाँ पे आर्मी वगैरह के ऑफिसर वगैरह आते होंगे एंड सारे के सारे। भाई हम लोग पहले आ जाते, पहले इधर अटैक वगैरह कर लेते, बट गाइस कंडीशन ऐसी थी कि हमको हमारा जो करना लेना उसे बचाना था, जिंदा रखना था, इसीलिए वरना हम लोग मैं सारी की सारी सिक्योरिटी वगैरह लेके आ जाता आराम से, या अपनी आर्मी लेके आ जाता भाई जो यूएस लॉस एंजेलिस की। बट यार कंडीशन ऐसी थी कि यार हम लोग अगर सब मिलके आते तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती, तो यही रीज़न था। एंड चलो यार माइकल भी है तो आप माइकल के सामने कोई टिक सकता है क्या। अरे इधर आ जा मेरे भाई, इधर है हम, वो लोग वहाँ पर रुका रहा है हेलीकॉप्टर। अरे इधर आ जा मेरे भाई, इधर आ जा, इतने दूर क्या कर रहा है, उधर कुछ भी नहीं है। रुको रुको, आ रहा है, आ रहा है, इधर ही रुको सर जी, इधर ही रुको ना, अब उधर तो तुम लोग जाने तो। अरे इधर आ जा मेरे भाई, इधर आ जा, उधर ही जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा है, अब उसको भी क्या गलती गई। अब यहाँ पे थोड़ी ना कोई हम लोग फ्रॉग वगैरह तो जगह जला तो नहीं रहे, तो चलो वो वगैरह फटा से लैंड वगैरह कर देंगे। अरे पानी में लैंड करवाएगा क्या बेवकूफ, वो जगह ढूंढ रहा है। चलो भाई इसको जगह वगैरह मिल चुक गई है, आई थिंक लैंड वगैरह करवा दिए जगह वगैरह। भाई साहब पूरा स्लोप है ना, चलो इधर आर्मी के बंदे भी आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो फटाफट से अब चलते हैं और इनको ना पहुँचा देते हैं अपने अपने घर। फटाफट से बैठ जाओ, और ये तुम लोग आर्मी वाले इधर ध्यान वगैरह रखो, जो भी होता है मेरे को बोलो। अरे इतना बड़ा वाला पेड़ देख रहे हो, कसम से। अरे फटाफट से बैठ जाओ सब लोग। चलो यार अभी सब लोग आराम आराम से बैठेंगे गाइस, ये लोग थक चुके हैं। ऑल राइट यार सारे के सारे लोग ना भाई बहुत दम से बैठ रहे थे ये लोग, इसलिए काट दिया मैंने। और चलो फटाफट से ना, और ये पता नहीं कौन सा एरिया है, और इतना लंबा झाड़ है गाइस, कसम से इतना लंबा। ओह भाई ये झाड़ है क्या है गाइस, आप लोग ही बताओ भाई, इतना लंबा झाड़ भाई। सब से कोई बात नहीं भाई, सबको रेस्क्यू कर लिया एंड फाइनली ना भाई जेल जाने से बच गया।
और ये ड्राइवर ना अपने शहर में कुछ कर ना सके भाई, मैंने तो बोल दिया भाई मेरा ड्राइवर मेरा कोई फ्रेंड वगैरह तो है नहीं, अब जो भी होगा भाई तुम उसको पकड़ो मारो पीटो, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अब वो बंदा जो कर रहा है अपने पे कुछ ना कुछ आ रहा है, तो चलो यार अब क्या ही करें यार, अब जनरल बंद अपना करना तो बच गया है और फटाफट से ना जाते हैं और गए सब आगे कुछ प्लान वगैरह करते हैं। भाई साहब मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला है भाई, इतनी फाइट कर दिया ना माइकल ने आज भाई, फुल थक चुका हूँ, तो चलो फटाफट से अब चलते हैं आर्मी बेस पर। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना हम लोग आ चुके थे आर्मी बेस पर और यार हम लोग ने सबको रेस्क्यू तो वैसा कर लिया, सिर्फ चार ही बचे यार, अभी बहुत ज़्यादा ही सिविलियंस मर चुके हैं, अब क्या कर सके यार, उस बंदे ने यार आरपीजी वगैरह लॉन्च कर दिया, मर गए सारे बंदे, अब क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए लोग आए हुए, एंड कर्नल मेरे को कह रहे हैं कि पहले तुम फटाफट से इंटरव्यू वगैरह दे दो, फोटो वगैरह खिंचवा दो। ठीक है यार फटाफट से इधर फोटो वगैरह तो मैं खिंचवाए रहा हूँ, एंड इधर एक फटाफट छोटा मोटा इंटरव्यू देता हूँ जिससे लोगों को पता चले कि क्या हुआ है, कैसे हम लोग ने बचा है। सो ऑलराइट यार सारा का सारा इंटरव्यू वगैरह मैंने दे दिया एंड भाषण वगैरह कर दिया, बोल दिया कि यार हमने ऐसा वगैरह मिशन किया था एंड बहुत कुछ किया है, तो यार इससे ना अपनी पॉपुलरिटी बढ़ जाएंगी एंड गाइस बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है अपने को इलेक्शन में। और अब ये जो कालू है ना, ये कालू जनरल मतलब नया नया जूनियर आया है साला, अब देखते क्या बोलता है एंड इससे बातचीत वगैरह करते हैं। ऑलराइट गाइस, ये मेरे को अब कह रहा है कि देखो अब तो तुम लोग, अभी तो मैं तुमको जेल में थाल नहीं रहा हूँ, अभी तो जो ये सर बोलेंगे ना सीनियर वाले वही आप करना। और इसने कह दिया है अपने सीनियर वाले ने कि यार देखो मेरे को कैसे भी करके ना ट्रेवर चाहिए और बहुत कुछ, मतलब ये ट्रेवर का बच्चा ज़्यादा ही कर रहा है, तो इसको पकड़ो एंड इसका डायरेक्ट इनकाउंटर कर दो, गोली मार के ख़त्म करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है एंड बहुत कुछ वगैरह वगैरह। और ये कह रहा है कि देखो अगर तुम्हारा दोस्त ऐसे ही करता रहा ना तो फिर तुम्हारी जितने भी पॉपुलरिटी वगैरह है वो सब कुछ कम हो जाएगी, मतलब लॉस सैंटोस में तुम्हारी इज्जत कम होती जाएगी एंड बहुत कुछ। तो यार कैसे ये इनडायरेक्टली मतलब अपना ही नुकसान हो रहा है ना, मतलब ये भैंस के आगे ट्रेवर कुछ भी करेगा तो लोग अपने को गाली देंगे एंड बोलेंगे यार देखो ये ऐसा तो बंदा है वैसा है, और फिर अपने को इलेक्शन में वोट वगैरह नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर ये देखो भाई फ्रैंकलिन द फ्रेंड अपना इधर आ चुका है मेरे को पिकअप करने के लिए, और चलो यार भाई साहब चलो अपने फ्रेंड आएंगे। और भाई साहब ये कार आप लोग बताना ये कार कहाँ से आई, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो वीडियो एपिसोड देखिए तो ये फ्रैंकलिन के पास ये कार कहाँ से आई है मेरे को एक बार चैट में बताना, तो मुझे पता चलेगा कौन मेरा ट्रू सब्सक्राइबर है, तो वो मैं नहीं बोलूँगा। तो ये कार बहुत ही खतरनाक कार है, तो चलो यार भाई, अरे आराम से भगा फ्रैंकलिन, क्या ही कार भगा रहा है ना, कसम से देख रहा, अरे आराम से चला भाई, अरे 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 भाई आराम से आराम से। फ्रैंकलिन कह रहे हैं कि आज पार्टी करेंगे, बहुत दिनों के बाद मिला हो यार, यार अब क्या ही बोले। चलो यार फटाफट से अब ये लोकेशन वगैरह पे निकलते हैं, पता करते हैं क्या पार्टी वगैरह का प्लान कर रहा है ये, एंड कह रहा है कि बहुत बढ़िया बढ़िया पार्टीज करने वाले हैं। एंड मास्टर जे हेयर स्टाइल करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूं, बस आप अपना मुझे ऑर्डर दो और उस माइकल का गेम ओवर, और उसकी सारी प्रॉपर्टी और मेंशन शोरूम हर चीज डिस्ट्रॉय करूंगा, बस आप अपना ऑर्डर दीजिए। वेरी गुड एगल्स, उस माइकल का हर मेंशन और उसके शोरूम के चिटुड़ा उड़ा दो एगल्स, जाओ। ठीक है मास्टर जी, आपको नाराज नहीं करूंगा और उस माइकल के हर मेंशन और उसकी प्रॉपर्टी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ये मेरा वादा है एगल। ऑलराइट यार गाइस, अभी ना हम लोग पार्टी करने जा रहे थे बट मुझे अभी हैकर का कॉल आया,
एंड अपनी वाली हैकर गर्ल नहीं, मतलब ये अपनी हैकर गर्ल है, बट जो अपनी हैकर गर्ल है ना वो तो कहीं तो गई भी है, बट उसने अपने को टेम्पररी एक हैकर गर्ल दी है जो अपने को अभी मैटर में हेल्प कर सके। जो अपनी पुरानी वाली हैकर गर्ल है उसने सारा का सारा उसको डाटा वगैरह सब कुछ बता दिया, इन्फॉर्मेशन वगैरह। अब यार ये न्यू वाली हैकर गर्ल है ना, अब उसने मुझे न्यू कॉल करके बुलाया है, वो कह रहे कि कुछ हमें ना इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली है एंड वगैरह वगैरह, एंड चलो यार उससे बातचीत वगैरह करते हैं। और इसका घर इधर ही कहीं है एंड ठीक है यार, अभी इतना कैसा घर है यार ये हैकर गर्ल का। चलो फटाफट से अंदर जाते हैं और उससे बातचीत वगैरह करते हैं, किधर गई। और ये तो एक सेकंड, ये हैकर गर्ल ही है ना। अरे ट्रेवर फ्रैंकलिन तू क्या कर रहा है? चल यार अब रहने दे, ये बंदा प्राइवेसी मांग रहा है, अच्छा बंदा है, अंदर डायरेक्ट घुस नहीं रहा। ये अपनी हैकर गर्ल ही है ना। अरे गर्ल तो इसके कपड़े अलग थे, यही है ना कि मैं गलत रूम में तो नहीं आ गया ना। और ये इतने सारी फेप्सी वगैरह कोला और हैकर हैकिंग डिवाइस भी है। अरे यार, अरे यही हैकर गर्ल है क्या? अरे एक बार पीछे तो देख ले। चलो यार आई थिंक यहाँ यही है, चलो बातचीत वगैरह करते हैं और आपको बताता हूँ क्या सीन। ऑलरेडी यार गई सारी की सारी बातचीत वगैरह कर दिए और ये कह रही कि जो अब तुम्हारा दुश्मन है ना गोस्मास भाई, वो बहुत गंदा वाला प्लान कर रहा है अभी इसी वक्त, इतना गंदा वाला कर रहा है ना, मतलब तुम्हारा घर वगैरह सिक्योरिटी वगैरह सबको भाई ब्लास्ट करने के सोच रहे हैं वो। गाइस ये बहुत बड़ी वाली इन्फॉर्मेशन मिली है यार। देखो तुम फटाफट से जो मेरी हैकर गर्ल है उसको बोलो कि यार तुम फटाफट से लॉस एंटोस में आ जाओ एंड मुझे ना मतलब अभी बहुत ज़्यादा ही काम है उससे। एंड पता नहीं कॉल तो कर रही है, पता नहीं यार क्या बात कर रही है, जल्दी जल्दी से कर यार टाइम नहीं है। गाइस फ़ोन नहीं उठा रही, बहस क्या अब क्या ही कर यार, इसलिए बुला रहा था गाइस क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है, वो हैकर भी है एंड उसके साथ ना वो मास्टरमाइंड भी है, मतलब बिल्कुल लेस्टर की तरह। अब ये तो सिर्फ हैकर है, हैकिंग करती है बेचारी, बट इसके पास तो मास्टरमाइंड वगैरह तो कुछ है नहीं। अब इसको रोकूंगा कैसे? और गाइस वैसे ना मेरे पहले भी मेंशन पे एयर डिफेंस सिस्टम लगा है और बाकी के कोई भी घर पे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लगा हुआ है यार। गाइस प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी वाली, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब मेरे को पैसे वगैरह गाड़ी भगानी होगी और पता करते कि ब्लास्ट कहाँ पर हुआ है। गाइस मुझे नहीं पता अब यार गाइस क्या होने वाला है। और फटाफट से और एक सेकंड, मेरे को पता नहीं किसी की कॉल आ रही है मॉन्स्टर सिक्योरिटी की। और गाइस चलो यार पता नहीं क्या सीन है। गाइस मुझे ना अभी मॉन्स्टर सिक्योरिटी का कॉल आया था और पता नहीं वो बातचीत करते करते ना भाई मैं बहुत लेट हो गया आने में। और गाइस ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, गाइस इन्होंने मेरा शोरूम ही उड़ा दिया, इनको पता है कि माइकल के पैसे बहुत आ रहे हैं। गाइस मेरा शोरूम यार, अरे ऑफिसर क्या हो गया, अरे मेरा ही शोरूम है यार, अभी एक झापड़ मारूंगा ना बेटे, अपना काम कर चल। साला इधर तो यार ये रोक रहा है मेरे को, कह रहे कि सिविलियंस अंदर जा नहीं सकते, बेटा पूरा खानदान खरीद दूंगा तेरा, और कह रहे कि अंदर जा नहीं सकते यार। ये देखो यार गाइस पूरा का अपना आधा ही शोरूम बचा है, पूरा के पूरा शोरूम के टुकड़े वगैरह हो चुके हैं और आग भी लग रही है यार। कैसे किया ब्लास्ट मुझे नहीं पता, अभी देखना होगा रिकॉर्डिंग। और अपनी सारी के सारे मॉन्स्टर सिक्योरिटी मर चुके हैं और मुझे जिसका कॉल आया था ना बेचारा वो भी मर गया, वो पता नहीं बात करने नहीं आ रहा था ठीक से, गाइस लग रहा है वो दबके मर गया उसमें। और ये अपनी सुपर कार्स वगैरह अपने शोरूम में थे यार, भाई बहुत गंदा वाला नुकसान हुआ है। और अपने जो मॉडिफिकेशन वाली कार थे ना जी वैगन वगैरह, भाई पता नहीं वो ठीक है कि नहीं यार, अपनी सारी की सारी मॉन्स्टर सिक्योरिटी दब के मर चुके हैं क्या? गाइस बहुत ही गंदा वाला सीन हो चुका है, बहुत ही गंदा वाला, अपनी सारी की सारी ना मॉन्स्टर सिक्योरिटी अपनी मर चुकी है। गाइस बहुत ही गंदा वाला सीन है यार, अपने पास इधर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लगा हुआ था, अब यार मुझे क्या पता यहाँ पर ऐसा वगैरह अटैक होगा। भाई शिट यार पूरी के पूरी ना आग वगैरह ही लगी हुई है गाइस यार, यार आग बुझाओ ना सर जी, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, आग ही नहीं बुझा रहे हो यार। ये देख रहे पूरा का पूरा रास्ता ही बंद कर रखा है,
यार ये लोग आग ही नहीं बुझा रहे, अब क्या फ़ायदा गए, सब कुछ तो जल के राख हो गया। यार फ्रैंकलिन कुछ कर यार, जब भी फ्रैंकलिन आता है ना कुछ मेरा घर वगैरह टूटता ही है। जब भी वो आया था ना मेरा पुराना वाला घर टूट गया था, मतलब पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया था। यार फ्रैंकलिन को मेरे लिए ना अब जाने दो, फ्रैंकलिन की भी क्या गलती, बेचारा लेने के लिए आया था अपने को। अब ये लोग भी ना आग भी नहीं बुझा रहे, अब क्या ये लोग आग बुझाएंगे, अब सब कुछ तो जल के राख हो चुका है, टूट गया बिल्कुल ही। यार ये ऑफिसर, चलो ये DCP साहब लग रहे मेरे को, पता नहीं जो भी है। अरे सर जी किसने किया ये पता है क्या तुमको? भाई ये कह रहा है कि हमको CCTV चेक करना होगा। अरे ये गोस्ट मास्क का काम है, उसको पकड़ो जाके, गोस्ट मास्क और ड्राइवर का ही काम है ये, उसको ही पकड़ो जाके। भाई CCTV क्या कह रहे हो भाई, यहाँ पे CCTV कुछ नहीं है। अब इनको पता भी चल गया तो ये लोग क्या करेंगे, गोस्ट मास्क को तो मार नहीं सकते, इनकी इतनी औकात तो है नहीं। यार गाइस मेरे सारे के सारे ना सुपर कार को निकालना होगा अब। यार अब एक सेकंड जा रही, अरे यार ऑफिसर कह रहे हैं कि जल्दी से नीचे आ जा भाई, तू मरना है क्या, तेरे को पहले इतने लोग दब के मर चुके हैं। भाई मेरा पूरा का पूरा स्टाफ ही मर गया गाइस, समझ रहे हो भाई लोग, पूरा का पूरा स्टाफ, समझ रहे हो भाई। यार मासूम लोगों की जान जा चुकी है बिल्कुल ही, गंदा वाला सीन है यार, बहुत ज़्यादा ही गंदा वाला सीन है यार। भाई लोग अपनी चलता है बट अपनी सारी की सारी मोस्ट सिक्योरिटी मर चुकी है। अब भाई एयर स्ट्राइक हुआ है तो एयर स्ट्राइक में सब मरते ही, अब क्या करेंगे गाइस, कितना भी वेस्ट वगैरह होने तो बंदा तो मरेगा ही ना। इतने बड़े बड़े रॉकेट्स गिराए इसने, इतना गंदा वाला नुकसान हुआ है ना कसम से। यार ये गोस्ट मास्क का ज़्यादा ही हो गया गाइस, इसका गेम ओवर करना है बट ये बंदे को अब। ठीक है यार ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ लेस्टर वगैरह से हेल्प लेनी होगी, और अपने पास अब तो मास्टरमाइंड वाली गर्ल भी नहीं है। फिर भी यार मैं कोशिश करूँगा कि यार अब इसका गेम वगैरह ना ओवर कर सके। और ये देखो यार बेचारा कितना दूर आके गिरा है कसम से, आप लोग ही देखो। और अंदर के तो बेचारे टपक के मर गए होंगे, ये तो बेचारा बाहर था फिर भी इतने दूर आके गिरा है, तो अंदर का क्या होगा आप लोग सोचो। भाई साहब बहुत ही गंदा वाला सीन। ओ शिट 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 शिट, ओ भाई ये क्या हो रहा है, अंदर ब्लास्ट वगैरह हो रहा है गाइस, भाई ब्लास्ट हो रहा है अंदर। ओ शिट भाई पता नहीं किस चीज़ का ब्लास्ट हुआ है, लग रहा है अंदर पेट्रोल वगैरह कुछ से टंकी वगैरह फटी है। भाई ये और भी फायर ब्रिगेड आ रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, बस पानी डालो, डाल तो नहीं रहे, अब क्या ही करें। और गाइस भाई गंदा वाला ब्लास्ट हुआ ना बिल्कुल ही, भाई पूरी ज़मीन ही हिल रही थी। ठीक है यार गाइस अब क्या ही कर सकते हैं, गया अपना शोरूम, जो बिजनेस चल रहा था वो भी गया, जो करना था अब क्या करें। ठीक है ऑफिसर जल्द से जल्द कोस्ट मास्क को पकड़ो यार, ठीक है मुझे नहीं लग रहा ये इनसे कुछ होने वाला, ये फालतू बना ऐसे ही अपना ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं, अब जो भी है अब ये लोग फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, बट ये लोग से होने वाला तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, अपने को ही कुछ करना है बट चलो करेंगे यार गाइस। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो यार एंड सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो टाइम पे टाइम लाऊं, बट यार थोड़ा सा मेरा हेल्थ ख़राब चल रहा है, आप लोग देख ही सकते मेरा वॉइस, फिर भी वीडियो डालो यार तो एक लाइक बनता है यार, मतलब तबीयत ख़राब होने के बाद भी वीडियो आ रही है, तो यार देख रहे हो कितना मैं कंटिन्यू, फिर भी एक लाइक करना। तब तक के लिए गाइस सभी को बाय बाय, लव यू।